हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसिस गाइड, मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम बात करेंगे अगर किसी पेशेंट का ब्रेसिस का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली पूरा हो जाता है, ब्रेसिस ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद जो फिक्स रिटेनर्स लगवा दिए जाते हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो क्या उसके बाद आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास मंथली अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, और अगर जाना पड़ेगा तो कितने अंतराल में आपको उनके पास जाना पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा वॉच करिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपका ब्रेसिस का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, जब आपके ब्रेसिस ऑफ हो जाते हैं, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है आपके दांतों के पीछे एक छोटा सा वायर लगा देते हैं, ठीक है, और उसको बॉन्ड कर देते हैं, मतलब दांतों के पीछे उस वायर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, सीमेंटिंग कर दी जाती है खास एडिसिव से, तो इसे हम फिक्स रिटेनर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो आपके दांत हैं वो शिफ्ट नहीं होते, ठीक है, तो बेस्ट तरह के जो रिटेनर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसमें दांत के शिफ्ट होने का और जो आपने ट्रीटमेंट करवाया था इसका रिलैप्स होने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेसिस आपके ऑफ हो गए, फिक्स रिटेनर्स आपके दांतों के पीछे लगा दिए गए, तो अब जो सवाल आता है, क्या अब नेक्स्ट मंथ से क्या आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास मंथली विजिट के लिए जाना होगा? तो वेल, इसका जो आंसर है वो है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको 6 महीने में एक बार आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाते हैं, या खुद से भी आप 6 महीने में एक बार चले जाना। अब 6 महीने में एक बार आपको क्यों जाना है? देखिए, वैसे तो देखा जाए ये जो फिक्स रिटेनर्स होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, इसकी जो सीमेंटिंग की जाती है दांतों के पीछे, बॉन्डिंग होती है, बहुत ही हार्ड होती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड फूड खाते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया, बादाम हो गया, फ्रूट्स हो गए, अमरूद हो गए, इस तरह के जब हार्ड फूड आप खाओगे तो कुछ पेशेंट में क्या होता है, जो इसकी बॉन्डिंग होती है उखड़ जाती है, ठीक है, ये कभी कभी वायर पर टूट जाता है, लेकिन वायर टूटने के चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि हार्ड फूड की वजह से जो वायर की बॉन्डिंग दांतों के पीछे होती है वो उखड़ जाती है, ठीक है। तो इसी को चेक करने के लिए 6 महीने में आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाते हैं, उसमें वो यही देखता है कहीं पे बॉन्डिंग छूट तो नहीं रही है, अगर कहीं पे छूट रही है तो वो दोबारा उसको बॉन्डिंग करके उसको टाइट करके फिक्स कर देता है। इससे बेसिकली क्या होगा, आपके दांत शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 6 महीने में एक बार होता है, मंथली ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वेल, इसके अलावा एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर फिक्स रिटेनर्स आपने लगवा रखा है तो हर हफ्ते एक बार आपको अपने रिटेनर्स को चेक करना है, ठीक है। अगर खुद चेक नहीं कर सकते, अपने परिवार में किसी इंसान से बोलिए कि आपके बिहाफ पे, ठीक है, वो चेक करके आपको बताए कहीं पे बॉन्डिंग छूट तो नहीं रही है, क्योंकि कभी कभार जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड फूड खाने से बॉन्डिंग छूट जाती है, पेशेंट को पता नहीं चलता, ठीक है, वो खाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक दांत से बॉन्डिंग छूट गई, तो उससे क्या होगा, दांत शिफ्ट होने लग जाएंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके दांत शिफ्ट होने, दांतों में गैप आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल है क्योंकि हमने तो फिक्स रिटेनर्स लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग छूट गई होगी, हो सकता है किसी दांत में। तो हर हफ्ते आप इसे चेक करते रहना, अगर आपको लगे किसी दांत में बॉन्डिंग छूटी है उसको आपको टाइट करा लेना है, सीमेंटिंग करवा लेनी है, इससे क्या होगा, जो दांत है आपस में फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, जो बॉन्डिंग है फिर से टाइट हो जाएगी और आपके दांत यहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगे। तो 6-6 महीने के अंतराल में आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाते हैं फिक्स रिटेनर्स के वायर को चेक करने के लिए, लेकिन खुद से आपकी गलती से अगर वायर टूट जाता है, बॉन्डिंग छूट जाती है, तो आप खुद से भी जाके इसको फिक्स करा सकते हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है कम से कम 3 साल चलता है, ठीक है, 1 साल में 2 बार आपको जाना है, 3 साल तक आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके एक बार दिखाना चाहिए 6 महीने के अंदर, ताकि इस तरह की रिलैप्स की जो चांसेस है वो ना आए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।